यो लेजेंड आर्मी। तो गाइस कैसे यार आप सभी लोग, तो गाइस स्वागत है यार तुम्हारा आज की इस एक और गेम प्ले वीडियो में। तो आ चुके हैं इस वाली वीडियो में मतलब भाई पोचिंग की, और तुम्हें बताओगे यार पोचिंग की मतलब एक भाई अस्तित्व रहा है, मतलब कि अगर बंदे आएंगे ना यहाँ तो भाई इतने ज़्यादा बंदे आएंगे ना मतलब तुम्हें गन भी नहीं मिलेगी और तुम निहत्ते मर जाओगे। बट अगर यहाँ कोई नहीं आता ना तो भाई एक आधा बंदा कूद जाएगा बस, बाकी तो भाई इसकी दहशत ही पोचिंग की या फिर बताऊंगा। तो यहाँ पर मुझे मिली थी उजी और भाई मैंने इससे एक बोट को मारा, तो वहाँ पर M4 तो कन्फर्म हो ही चुकी थी मेरे लिए। तो मैंने इस बंदे से M4 ले ली और भाई कुछ बंदे पीछे बोट को मार रहे थे और भाई वो रियल बंदे थे, तो यार मैंने उन पर सीधा पुश कर दिया क्योंकि भैया वो इतने बोट को पेल लेंगे इतने मामूले पीछे से पेल देंगे। तो भैया यही हो बोट को मारने के चक्कर में तुम अपनी पोजीशन दे दो और यार यहाँ पे मिल जाओ। और भाई इसका दूसरा बंदा तो मतलब भाई से इससे इतनी दूर था ना मतलब कि भाई क्या बता दूँ, वो अलग ही लेवल के बोट मारने गया हुआ था दूर। तो यार बस यहाँ पे भाई मुझे 3 ही किल मिले और मैंने सीधा गाड़ी उठाई और भाई सीधा लगाई अपना जॉर्ज पुल पे। तो मैंने उनका जैसे ही एक बंदा नोक करा मतलब भाई मैं तुरंत कवर में आ गया क्योंकि अगर मैं दूसरी पीक भी मारे रखता ना उसका दूसरा बंदा मुझे नोक कर देता। तो मैंने फुल बूस्ट करा और सीधा गाड़ी उठा के घुसो दी उनमें ही। तो मैंने यहाँ पे लागे ठोकी इस वाले कंटेनर पे और अब यहाँ तुम्हें फुल पेशेंस का गेम प्ले देखने के लिए मिलेगा। मतलब भाई तुम्हें बंदों का पेशेंस तोड़ना होगा, तुम्हें उनके आगे खुद नहीं जाना, उन्हें अपने ऊपर बुलाना होगा। तो अब जो वो बंदा था मतलब भाई वो भी फुल फ्री फायर मार रहा था, मतलब कौन से नशे कर रखे थे मुझे नहीं पता, और मैं भी। और इसने भाई एक बंदा बना रिवाइव कर दिया तो भाई मैंने इसे दोबारा पट से नोक कर दिया और मैं इस पर पुश जब तक नहीं करने का भाई, जब तक ये खुद नहीं आने का। मैं इससे बहुत ढीठ आदमी से फुल पैनिक कर दूँगा इधर उधर जा जू के, बट इस पर पुश जब तक नहीं करने का जब तक कि मुझे सही पोजिशन में दिखने का नहीं। इसके TPP के आगे कभी मत जाओ भाई, इसके क्या मतलब किसी भी बंदे के TPP के आगे कभी मत जाना। तो अब यहाँ पे भाई मैं फ्री फायर मार के घुसा और भाई पेल दिया यार इस बंदे को, क्योंकि भैया ये मेरे TPP के आगे सीधा सामने भागा रहा था, तो यार इजी पड़ा इसे पेलना, बट भाई बंदे ने कंपटीशन जो था काफ़ी अच्छा दिया। तो मैं स्कूल की साइड से निकल ही रहा होता हूँ तभी भाई मेरी कार पे गोलियाँ पड़ती हैं और मैं यहाँ पे रोक लेता हूँ और भाई कवर में ढूंढता हूँ उस वाले बंदे को जिसने कार पे गोलियाँ मारी हैं। तो अब जैसे ही वो बंदा मतलब मुझे दिखता है भाई उसे नॉक करते ही तुरंत फिनिश कर देता हूँ मैं, क्योंकि भैया सांप को तो बिल्कुल भी छोड़ो मत यार। तो मुझे नहीं पता था भाई इसका दूसरा बंदा भी यही है और भाई जब वो फायर देता है ना मतलब भाई तब पता लगता है अरे भैया ये तो दो बंदे, और भाई ये लास्ट वाला बंदा यार फाइट लेते लेते मतलब पता नहीं भाई कहाँ गायब हो गया। इससे भी भाई बहुत ही ओपी फाइट चल रही थी, फुल भाई पीक पुक लेके मार रहा था, ये भी फ्री फायर दे रहा था, बट भाई ये पता नहीं यार लास्ट में कहाँ पर भाग गया। तो अब उसने मुझे काफ़ी ज़्यादा लो करा तो यार मैं हील कर लेता हूँ और मतलब जैसे ही मैंने इस पे आगे पुश करा ना भाई वो इसी बाउंड्री वॉल पे था, बट भाई मुझे नहीं पता वो एकदम से कहाँ भाग गया और यार उसके बाद वो मुझे दिखा नहीं, तो मैंने ज़्यादा ढूंढने की कोशिश भी नहीं करी। तो मैं आ जाता हूँ यहाँ पे मतलब भाई अपने स्कूल अपार्टमेंट्स पे और यहाँ पे ऑब्वियसली सी बात है यार अधिकतर बार बंदे होते ही हैं। तो अब यहाँ पे मुझे एक गाड़ी ठुकी हुई दिख जाती है, तो यार कन्फर्म था मतलब भाई बंदे तो होंगे और भाई टाइट के नशे करके ना मतलब बंदे फुल कैंप कर रहे थे भाई।
तो भाई अब जो बंदा था मतलब भाई जिनने भी डीबी भी ले रहे थे और भाई उनने सारी गोलियां है ना जो भाई खाली कर दी फ्री फायर में ही, और जैसे ही रिलोड की आवाज आई भाई मैं सीधा घुस गया। तो इस वाले बंदे को तो इजीली पेल देते हैं और मतलब यार इसकी लूट लेके चलते हैं दूसरे बंदों को मारने। तो यार अब ऊपर कुछ बंदे लड़ रहे होते हैं, मतलब भाई साहब वहाँ से आवाज़ आती है जब मैं लूट रहा था, तो यार मैं अब उन बंदों को जाता हूँ और भाई यहाँ पे एक ही बंदा होता है जिसे यार इजीली पेल देते हैं। तो भाई यहाँ से आवाज़ तो मतलब ऐसी आती कि भाई मतलब क्या हो रहा है यहाँ पे, और गाड़ी गुड़ी भी फुटी बड़ी थी, बस यहाँ पे एक ही बंदा था शायद से भाई इस बंदों ने मतलब सबको ठिला दिया और मतलब सबको पेल दिया यार इस बंदे ने। तो अब जो है मैं दोबारा से अपार्टमेंट्स पे आता हूँ और भाई मुझे पता लगता है मतलब फिर से यार मेरे अपार्टमेंट पे मतलब भाई किसी ने कब्जा कर लिया। मतलब कब्जा ना मेरे साथ होता रहे, तुमने अधिकतर गेम प्ले में देखा होगा, मतलब भाई मैं पहले अपार्टमेंट पे रहूँ भाई पीछे से मैं थोड़ा घूमने जाऊँ कहीं तो भाई बंदे आ जाऊँ, तो मैं यहाँ पर थोड़े नेड़ नोड़ करता हूँ, मैंने भाई जिनने जुनने बैठे हों तो एक आधा नोक हो जा, बट भाई यहाँ पर कोई नेड़ से नोक नहीं होता, तो यार मुझे सीधा पुश करना था। तो भाई वो बंदे तो इतने ढीठ मतलब यार बिल्कुल भी पुश करने आए नहीं, तो भाई मजबूरन मुझे पुश करना पड़ा और मैं एक घर में जाके मतलब टीपीपी लेने लगा, और भाई वो मुझे नहीं पता था कि सामने वाले घर में है, बट भाई जैसे ही उन्होंने मतलब ग्रोजा से गेट तोड़ा ना, अब देखना भाई तुम, तो उनने जैसे ही ग्रोजा से गेट तोड़ा तो भाई मुझे पता लग गया भाई वो बंदा यहीं पर है, तो मैंने सोचा कि यार इनके आने का वेट करता हूँ, बट भाई वो जब नहीं आए तो यार मैंने सीधा एक नेड़ फेंक दिया अंदर। और भाई इस नेड़ से जो थे मतलब भाई दोनों बंदे फट गए, और यार एक नेड़ उन्होंने खुद फेंक दिया था, वो मेरे ऊपर फेंक रहे थे बट वो दीवार पे टकरा के दोबारा अंदर आ गया, तो मैं थोड़ी देर रुका रहा, एकदम लूट करने नहीं घुसा वरना भाई उसके नेड़ में मैं भी फट जाता। तो अब जो है आधे से ज़्यादा सर्कल मतलब भाई साहब ओपन में, और मुझे उस बंदे से AWM मिल गई थी, मैं तुम्हें बता दूँ, तो मैं एक स्कोड हाउस पे आता हूँ और भाई यहाँ पे होते हैं मेरे साथ गलत वाले सीन। तो अभी स्कोड हाउस पे तो भाई किसी के फुटप्रिंट की आवाज़ आ नहीं रही थी, तो मुझे लगा मैंने भाई कोई बंदा है ही नहीं यहाँ, तो मैं सीधा मतलब देखता हुआ जा रहा था फिर भी, क्योंकि भाई बहुत तगड़े तगड़े कैंपर हो, तो आराम से मैं देखता देखता जा रहा था, बट इतने में ही ना मुझे एक बंदा बाहर दिख गया, तो यार मैंने उसे पहला सबसे पहले AWM से। तो उस बंदे को पेलने के बाद भाई मैं सीधा स्कोड हाउस की छत पर आ जाता हूँ, क्योंकि मतलब भाई यहाँ पे कोई था ही नहीं और मतलब किसी के फुट स्टेप भी नहीं आ रहे थे, बट 3 स्टोरी पे एक बंदा था जिसे कि मैं नॉक कर देता हूँ। तो मैं जैसे ही उस वाले बंदे को नॉक करता हूँ तभी भाई मतलब यार इसी वाला बंदा दिख जाता है, मतलब भाई बंदा देख लो यार क्या कैंप कर रहा था, और ये उसी का टीममेट है। तो मैं चढ़ने की कोशिश करता हूँ और भाई वो जैसे ही फायर देता है मैं नीचे कूद जाता हूँ, क्योंकि यार अगर मैं चढ़ूँगा 2-3 मिनट मतलब 2-3 सेकंड के लिए हाथ में गन नहीं रहती, और भाई ना ये नीचे आने को तैयार और ना मैं ऊपर आने को। तो अब यहाँ पे क्या होता है मैं भाई इस पर एंगल बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि भाई ये बहुत ज़्यादा गंदा कैंप कर रहा है, तो थक हार के जो था मैं इस पर जिन्ने से जाके पुश कर देता हूँ, बट भाई ये मतलब नीचे कूद के भाग जाता है, देखो भाई कैसे भागा हो। तो भाई ये बंदा तो मतलब भाई फुल भाग गया और मतलब भाई बहुत ज़्यादा दूर चला गया, और मैंने इसकी गाड़ी इतनी डैमेज कर दी अगर उस पर एक बुलेट लगे तो यार मर जाएगा, बट ये गाड़ी से ऐसे ही उतरता है और भाई पड़ता है यार, दे देते हैं इसके भी ओम का हेडशॉट, और भाई ओम तुम्हें पता है यार कितनी ज़्यादा ओपी गन है। तो भाई तुम मुझे बताना मतलब भाई वो तुम्हें भागने वाला सीन कैसा लगा। तो यार अब लास्ट का बंदा बच रहा है उसे भी मार देते हैं हम इजीली, और भाई वो बंदा पता नहीं भाई फायर क्यों कर देता है, मतलब शायद से मैं उसे थोड़ा दिख जाता हूँ बट भाई उस पर एंगल नहीं होता तो फायर करके गलती कर देता है। तो होप सो गाइस आप सभी को आज के लिए वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आई तो लाइक करना और नए हो तो सब्सक्राइब करना, और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर देना। मैं आपसे नेक्स्ट वाली वीडियो मिलता हूँ, तब तक के लिए पीस आउट।
रूप का सौदाई, मैं रंग रूप का सौदाई। चल छैया।